Program to find the sum of natural numbers. Hello everyone, a very warm welcome to WS Cube Tech. So guys, आज की वीडियो में हम बनाने वाले हैं प्रोग्राम जो कि हमें फाइंड करके देगा सम ऑफ एन नेचुरल नंबर्स, यानी कि जितने भी नेचुरल नंबर्स तक के सम यूजर को चाहिए उतने नंबर तक के सम हमें ये प्रोग्राम लाके देगा। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ कि नेचुरल नंबर्स होते क्या है, तो आइए सबसे पहले देखते हैं कि नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं। सो गाइज, नेचुरल नंबर वो नंबर होते हैं, नेचुरल नंबर यानी कि हमारे सारे पॉजिटिव इंटीजर्स जो होते हैं उन्हीं को नेचुरल नंबर्स बोला जाता है। तो यानी कि अगर जीरो से लेके जितने भी हमारे नंबर्स हैं पॉजिटिव इंटीजर्स अप टू इनफिनाइट, वो सारे ही हमारे नेचुरल नंबर्स हैं। नेगेटिव नंबर्स यहाँ पे नेचुरल नंबर्स के अंदर नहीं आते, हम सिर्फ यहाँ पे इंटीजर्स की बात कर रहे हैं। तो इन्हीं का अगर हमें सम निकालना है अप टू सर्टेन डिजिट जो कि हम यूजर से एज ए इनपुट लेंगे, तो उसके लिए हमें यहाँ पे आज प्रोग्राम बनाना है। तो आइए देखते हैं कि कैसे क्रिएट कर सकते हैं हम इस प्रोग्राम को। सो गाइस, इस प्रोग्राम के अंदर हम यूज करने वाले फर्स्ट वेरिएबल्स, सेकेंड नंबर पे हम यूज करने वाले हैं लूप्स का, थर्ड हम यहाँ पे यूज करेंगे कंडीशनल स्टेटमेंट्स अलोंग विद हमारे ऑपरेटर्स। तो इन चारों चीजों का हम हमारे प्रोग्राम के अंदर यूज करने वाले हैं। सो आइए देखते हैं कैसे बना सकते हैं हम इस प्रोग्राम को। सो सबसे पहले अगर मैं बात करूँ यहाँ पे यूजर से इनपुट लेना है, तो नंबर इज इक्वल्स टू INT इनपुट, एंटर अ नंबर हियर। तो यहाँ पे हम यूजर से इनपुट ले लेंगे एंड यहाँ पे इन ब्रैकेट्स को हम क्लोज कर लेंगे। नेक्स्ट चीज़ जो हमें यहाँ पे करनी है वो ये करनी कि हमें यहाँ पे सम निकालना है नेचुरल नंबर्स का, बट अगर यूज़र कोई भी नेगेटिव नंबर यहाँ पे दे दे तो उसके लिए हम यहाँ पे क्या करेंगे, तो उसके लिए मैं एक कंडीशन दूंगी कि इफ़ हमारा जो नंबर है दैट इज़ स्मॉलर देन जीरो, ये जो नंबर है अगर ये स्मॉलर देन जीरो है तो उस केस में हम यहाँ पे प्रिंट करा देंगे प्लीज़ एंटर पॉजिटिव नंबर। सो यहाँ पे पॉजिटिव नंबर एंटर करने को हम यूज़र को बोल देंगे। अगर जो नंबर हमारे जीरो से बड़ा है उस केस में क्या करेंगे, एक सम नाम का वेरिएबल बनाएंगे जो कि स्टोर करके रखेगा हमारे सम को, एंड फिलहाल के लिए इसकी वैल्यू क्या होगी, जीरो। इसके अंदर हम कंडीशन लगाएंगे कि वाइल जो हमारा नंबर है दैट इज ग्रेटर देन जीरो, जब तक वो जीरो से बड़ा है तब तक यहाँ पे ये लूप चलता रहे। तो यहाँ पे हमें क्या लूप चलाना है, इस सम के अंदर हमें नंबर्स को ऐड कराते जाना है, सम प्लस इज इक्वल्स टू नम, एंड नंबर को हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट देना है, यानी कि नंबर जैसे मान लीजिए कि मैंने नंबर ले रखा है 5, तो फिलहाल के अंदर सम के अंदर क्या स्टोर चल जाएगा 5, अब उसके बाद 4, 3, 2, 1 या ये सारे नंबर्स हमें चाहिए, तो हमें यहाँ पे डिक्रीमेंट देना है कि नंबर माइनस इज इक्वल्स टू, यानी कि नंबर में से क्या माइनस हो जाएगा, 1 की जो वैल्यू है वो माइनस हो जाएगी, यानी कि अगर 5 है तो अब 4 हो जाएगा, 4 है तो 3 बन जाएगा, 3 है तो 2 हो जाएगा। इस तरह से नंबर जो है यहाँ पे डिक्रीज होते जाएंगे। एंड लास्टली हमें क्या करा देना है, प्रिंट करा देना है किसको, सम को। सो अब अगर मैं यहाँ पे इसे रन करती हूँ, सो हम यहाँ पे अगर मैं 5 लेती हूँ, तो 5 प्लस 4 हमारे पास 9 हो गया, प्लस 3 हमारे पास 12 हो गया, प्लस 2 हमारे पास यहाँ पे 14 हो गया, प्लस 1 15, सो हमारे पास यहाँ पे 15 आउटपुट आ चुका है, यानी कि 5, 4, 3, 2, 1 का एडिशन यहाँ पे आ चुका है। इस तरह से आप कोई भी अगर आप यहाँ पे नंबर लिखें, यहाँ पे सपोज मैं 15 लिखती हूँ, तो 15 तक का जितना भी यहाँ पे हमारे पास टोटल बैठेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। सो सिंपल सा प्रोग्राम है, सिंपल कॉन्सेप्ट्स का हमने यहाँ पे यूज़ किया है। हमने सबसे पहले यूजर से इनपुट लिया है नंबर में, कंडीशन लगाइए कि नंबर सबसे पहली बात तो यहाँ पे क्या होना चाहिए, जीरो से बड़ा होना चाहिए। दूसरी चीज़ यहाँ पे अगर जीरो से बड़ा है तो उस केस में हमें सम लेना है, सम की वैल्यू को हमें यहाँ पे जीरो रखना है। उसके बाद यहाँ पे वाइल के अंदर हमें एक कंडीशन लगानी है कि वाइल जब तक हमारा जो नंबर है, जो भी हम यूजर से नंबर लिया है, यानी कि मेरे केस में 15 ले लीजिए कि 15 जब तक जीरो से बड़ा है तब तक ये लूप चलता रहे यहाँ पे, और क्या चीज़ आइट्रेट करता रहे कि जो भी नंबर नेक्स्ट है, यानी कि 15 है तो 15 सम के अंदर ऐड हो जाए, और उसके बाद 15 का डिक्रीमेंट हो जाए 1 से, यानी कि इस लाइन में हमने क्या लिखा है, नंबर माइनस इज इक्वल्स टू 1, यानी कि पहले अभी 15 था, अब नेक्स्ट जब ये लूप चलेगा तो ये क्या हो जाएगा, 14 हो जाएगा, नेक्स्ट चलेगा तब 13, तो इस तरह से सम के अंदर क्या ऐड हो जाएगा, 15, फिर उसके बाद 14, देन 13, यानी कब तक ऐड हो जाएगा, जब तक इसकी वैल्यू जो है जब तक ग्रेटर देन है 0, यानी कि 1 तक, जब तक ये कहाँ तक ऐड होएगा, यहाँ पे 1 तक ऐड होएगा। एंड लास्टली हमें प्रिंट करा देना क्या है, सम को प्रिंट करा देना है। सो इस तरह से हमारा जो प्रोग्राम है एन नेचुरल नंबर्स की सम को फाइंड करने का वो यहाँ पे रेडी है। आई होप गाइस कि यहाँ पे कोई डाउट्स या क्वेश्चंस नहीं रहे होंगे। ऐसे ही कुछ इंटरेस्टिंग मिनी प्रोग्राम्स देखने के लिए स्टे कनेक्टेड गाइस, थैंक यू।